हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिससे आप इंट्राडे में बना सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट और लॉस करने से बच सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। आजकल हर एक ब्रोकर टेक्निकल्स देता है अपने वेबसाइट पे, या तो फिर आप investing.com पे भी जा सकते हैं। कोई भी चार्ट लीजिए, बट उस पर लगाइए 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट का एक कैंडल स्टिक होना चाहिए और उस पर आप लगाइए सुपर ट्रेंड एंड MACD। उसके बाद आपको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ कंपनीज़ जैसे कि एक्सिस बैंक, रिलायंस, बायोकॉन, L&T एंड यस बैंक। तो ये जो 15 मिनट चार्ट है और ये MACD है, यहाँ पे आप जब भी ब्लैक लाइन को रेड लाइन के ऊपर जाते हुए देखेंगे तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पर उसमें दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है ये ग्रीन वॉल्यूम। जब ये ग्रीन वॉल्यूम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ टर्न होता है और ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर आती है, तब आप देख सकते हैं कि ये प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर आ रहा है, तब प्राइस है 626 के आसपास। उसके बाद ये जब तक ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी तब तक प्राइस पहुंच चुका था 634। और उसके बाद जैसे ही ग्रीन के बाद रेड लाइन आती है यहाँ पे, तब आपको ले लेना है एग्ज़िट। आप ये मत सोचिए कि और प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है या कभी भी ऊपर जा सकता है। तो अपना एक स्टॉप लॉस बनाए रखें और प्रॉफिट बुक करने का भी एक अमाउंट फिक्स रखें। जैसा कि यहाँ पे 626 से 634, सो 8 का डिफरेंस है, 5 या 6 रुपये का डिफरेंस रखें। और जैसे ही ग्रीन के बाद रेड लाइन आती है तब एग्ज़िट ले लें। जैसा कि यहाँ पे अगर आप एग्ज़िट लेते हैं तो भी 5 रुपये आपको प्रॉफिट है। यहाँ पे भी आपको एक मौका है 633, और अगर आप होल्ड करते हैं 15 मिनट और तो 634। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। जैसे ही यहाँ पर रेड लाइन दिखे एक प्रिकॉशन लीजिए और एग्ज़िट कीजिए। और इसी तरह जब ये प्राइस रेड लाइन ब्लैक लाइन रेड लाइन के नीचे आती है तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्राइस है 629, और जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ पे जैसे ग्रीन स्टिक आई है तो प्राइस है 625। तो अगर आप देखें तो 629 से 625, 4 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे भी है। तो आप इस तरह से इसे टाइम कर सकते हैं, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्रॉफिट बुक हो गया तो एग्ज़िट ले लें, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, जो भी मिले। क्योंकि इंट्राडे में आप 30 या 40 रुपये जल्दी से मूवमेंट नहीं देख सकते, तो कभी भी लॉस करने से अच्छा है कि कम प्रॉफिट हो, वो ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्ज़िट ले लेना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ लाइन क्रॉस हुई है और प्राइस था 631, उसके बाद नीचे की तरफ आते आते जैसे ग्रीन स्टिक आती है तो 624। सो 631 से 624, यहाँ पे भी 7 रुपये का मुनाफा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ दूसरे स्टॉक की, तो ये बायोकॉन की तरफ अगर हम नज़र डालें, यहाँ पे ब्रीच हुआ था, ग्रीन लाइन ऊपर आई है और ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर आई है, प्राइस है 608। उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया है, अगर आप यहाँ पे भी एग्ज़िट ले लेते हैं तो 615। रिस्की ट्रेडर्स कैन होल्ड जब तक कि ब्लैक लाइन पूरी तरह नीचे नहीं आ जाती और यहाँ पे नीचे की तरफ वॉल्यूम नहीं आता, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली L&T की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रीच हुआ है, प्राइस आप देख सकते हैं 1418, उसके बाद स्ट्रेट ऊपर गया है 1434 तक। उसके बाद यहाँ पे जब रेड लाइन आई है तब ब्लैक लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, आपको एग्ज़िट का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको टाइम करना है मार्केट, 15 मिनट का एक स्टिक है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करें। ये तो थी इंट्राडे के लिए टिप्स, पर अगर आप
लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मिड टर्म ट्रेडर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है येस बैंक का। येस बैंक की इस भारी गिरावट के पहले ही इसने इंडिकेशन दे दिया था यहाँ पे, जब जब प्राइस था 343, उसके बाद आप सब जानते हैं क्या हुआ है, 169 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये चीज़ पे फोकस करते तो आपको एग्ज़िट पहले ही पता चल जाता। और दूसरा था सुपर ट्रेंड, जिसने यहाँ पे एग्ज़िट दिया था 315 पे और अब प्राइस है 169। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। इंट्राडे के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगी, 5 से 6 रुपये मिलेंगे, वो आप लेके निकल सकते हैं और लॉस करने से बचें। जल्दी से प्रॉफिट बुक करें ताकि आपको लॉस ना हो। आइए देखते हैं एक एग्जांपल डेली चार्ट्स पे, यह है रिलायंस। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड भी ऊपर की तरफ ब्रीच हुआ है और ब्लैक लाइन भी रेड लाइन के ऊपर आई है। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो 1019 या 1020 से ये प्राइस ऊपर की तरफ गया 1315 तक। तो एक अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये सुपर ट्रेंड आप चेक कर सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ ब्रीच करे जैसा कि यहाँ पे, तब आप एग्ज़िट ले लें। उसके बाद ये स्टॉक आ चुका था नीचे 1050 तक और अब इसने वापस से सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। अब देखते हैं ऊपर की तरफ ये कहाँ तक मूवमेंट देता है। तो इस तरह से अपने ट्रेड्स को टाइम करें और लॉस करने से बचें, प्रॉफिट में निकल जाना ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आगे और भी दिलचस्प बातें बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। धन्यवाद।